दोस्तों कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल क्लासरूम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लीजिए, मैं आ गया हूं आपके लिए 3 नए अपडेट्स लेकर। और ये अपडेट आज यूट्यूब के ऊपर नहीं होने वाले हैं, ये अपडेट होने वाले हैं जीमेल के ऊपर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर। यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम, जीमेल और व्हाट्सएप पे जो भी अपडेट्स आते हैं, मैं उनकी जानकारी आपको देता रहता हूँ। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज के अपडेट्स जो ये तीनों ने जारी किए हैं, उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम लोग एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहली बात करें अगर जीमेल की, तो जीमेल में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर अब आने वाला है। जीमेल जो कि बेसिकली ईमेल्स भेजने के यूज के लिए होता है और प्रोफेशनल इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप जानते हैं जीमेल में अभी तक हम लोग टाइप करके ही लिख पाते थे, पर आने वाले समय में गूगल ने ये क्लियर कर दिया है कि जीमेल पर अब एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाएगा जिसके थ्रू आप बोलकर भी अपने जो मेल है उसको लिख सकते हैं। तो इससे काफी आसान हो जाएगा, काफी सुविधा हो जाएगी कि लोग एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं। और ये सब होगा एक एआई टूल के माध्यम से। एआई तकनीक को हर कोई अपना रहा है, तो जीमेल पर भी इस तकनीक को अपनाया जाएगा। अब इस चीज की तमाम जानकारी गूगल ने अपने ब्लॉग पे दी है। गूगल ने कहा है कि अब आपको इस फीचर को लॉन्च होने के बाद सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना होगा और आपका जो मेल है वो ड्राफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी सुविधा अनुसार उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये अपडेट जब आएगा तो जहां पर मेल लिखने का बटन होता है वहां पर एक माइक का बटन आ जाएगा और आप बहुत आसानी से उसको प्रेस करके आप ही वॉइस के थ्रू इस मेल को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फीचर है सबसे पहले एंड्रॉइड यूजर के लिए, यानी कि मोबाइल्स पे ये दिया जाएगा, उसके बाद ये कंप्यूटर वगैरह में भी आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे अपडेट के लिए जो कि निकल के आ रहा है इंस्टाग्राम के लिए। दोस्तों इंस्टाग्राम कहीं पर भी फेसबुक से आप पीछे नहीं रहना चाहता है। अब धीरे धीरे जिस तरह से फेसबुक की लोकप्रियता है तो इंस्टाग्राम भी अपने को उसी तरह से अपडेट करना चाहता है। इस बार जो वो फीचर लेके आने वाला है वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो मैच करता है पूरी तरह से फेसबुक से। फेसबुक पे हम लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, इवन टेक्स्ट पोस्ट भी कर सकते हैं। यही चीजें अभी तक इंस्टाग्राम में भी होती थी, सिवाय एक चीज को छोड़कर। इंस्टाग्राम में आप फोटो डाल सकते हैं और इंस्टाग्राम में आप रील्स वगैरह वीडियो डाल सकते थे, पर अब इंस्टाग्राम एक टेक्स्ट फीचर भी लाने वाला है। यानी कि जिस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप जानते ही होंगे फेसबुक में हम टेक्स्ट लिख के उसे पोस्ट कर सकते हैं, वो फीचर अभी तक इंस्टाग्राम में नहीं था। तो बहुत जल्दी ऐसा फंक्शन इंस्टाग्राम पे भी आने वाला है जो लगभग लगभग फेसबुक के जैसा ही है। तीसरे अगर अपडेट की बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो व्हाट्सएप के ऊपर है। इस अपडेट में अब व्हाट्सएप में थर्ड पार्टी जो एप्स हैं वहां से भी मैसेज हो सकेगा। सरल भाषा में समझें तो इस अपडेट को आने के बाद तो अगर किसी पर्सन के पास अब व्हाट्सएप है और दूसरा पर्सन चाहे वो लाइन चला रहा है, चाहे वो टेलीग्राम चला रहा है, चाहे वो कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी मैसेंजर ऐप चला रहा है, तो उसी थर्ड पार्टी मैसेंजर ऐप से वो फर्स्ट पर्सन को व्हाट्सएप पर भेज सकता है। यानी कि व्हाट्सएप अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा देगा, तो इससे जो नॉन व्हाट्सएप यूजर हैं उनको बहुत फायदा होगा। अब वो भी व्हाट्सएप यूजर को मैसेज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 नए अपडेट। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप जानते हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नए नए इंफॉर्मेशन, यूट्यूब के रिगार्डिंग नए नए वीडियोस और सारी ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता है। चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आप देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करेंगे और हमारी कोशिश को सराहेंगे। ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए, मुझे दीजिए आज्ञा। मिलते हैं हम लोग एक नई अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।